वह पूछे कि आखिर सील होता क्या है। तो प्रहलाद महाराज ही बतलाए हैं कि सील का मुख्य अर्थ है कि किसी को कष्ट न देना और दान देना, दूसरे का सहयोग करना। दूसरे जगह सील पर चर्चा है, तो वहाँ सील का अर्थ लिखा गया है कि विषम परिस्थिति में भी अपने स्वभाव का त्याग न करना, इसको सील कहेंगे। देखिए कुछ लोग होते हैं कि बहुत विनम्र दिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका सम्मान कर रहे हैं, वो भी बड़ा विनम्र दिखते हैं, लेकिन कहीं अपमान हो गया तब उनकी विनम्रता नहीं दिखती है, तो यह सील नहीं है। एक बार की घटना है कि स्यमंतक मणि की चोरी हुई और उसमें अक्रूर जी पर भी एलिएशन था, वो भी लिप्त थे, अभी तो बड़ा लज्जा महसूस करने लगे। अब द्वारका को छोड़ करके अपने ननिहाल काशी में चले गए। अक्रूर जी भक्त हैं, अब द्वारका के लोग उनका अभाव महसूस करने लगे और उद्धव जी उनको एक पत्र लिखे, चैतन्य चरितामृत में इसको दिया गया है, मूलतः भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, और कह रहे हैं कि भृत्यस्य पश्यते गुरु न बिना अपराधान, अरे कि हमारे स्वामी हैं तो अपने सेवक के भारी से भारी गलती पर ध्यान ही नहीं देते हैं, देखते ही नहीं है। भृत्यस्य पश्यते गुरु न बिना अपराधान सेवांग मनागपि कृतां बहुधा विपैति, और कोई व्यक्ति थोड़ी सी सेवा कर दे तो उसको वे बहुत मानते हैं। और आविष्करोत विष्णु स्वपिना सुइया, और जो खल प्रकृति के लोग हैं तो उनमें भी दोष बुद्धि नहीं करते, दोष दृष्टि नहीं करते। सीले न निर्मल मति पुरुषोत्तमोयम, अरे जो पुरुषों में श्रेष्ठ हैं श्री कृष्ण हैं तो अपने स्वभाव से ही निर्मल मति है, सील से निर्मल मति है, मतलब विषम स्थिति में भी इनका स्वभाव बदलता नहीं है, तो आप भय मत कीजिए, आप यहाँ आ जाइए। तो हम यह कह रहे हैं कि सील का एक आशय यह है कि सुंदर स्वभाव है लेकिन विषम परिस्थिति में परिवर्तित न हो तो उसको सील कहा जाएगा।